विनिर्माण उद्योग के बारे में देख रहे हैं। हमने अभी आपको बताया कि विनिर्माण क्या होता है, उद्योग क्या होता है, पिछले हमने अध्याय में हमने आपको समझा चुके हैं। तो उद्योग वह होता है जहां पर वस्तुओं का निर्माण किया जाए। विनिर्माण क्या है? जो हमें कच्चा माल प्राप्त हो रहा है, हम आवश्यकता अनुसार उसको परिवर्तित कर रहे हैं। उसके बाद फिर हमने देखा उद्योगों का वर्गीकरण। तो उद्योग का वर्गीकरण कैसे देखा? कच्चे माल के आधार पर और खनिज के आधार पर। तो फिर कृषि आधारित उद्योग भी हमने देखा, फिर खनिज आधारित उद्योग भी हमने देखा। हम अब हम आगे उसके आगे और पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि अब सार्वजनिक क्षेत्र में यहाँ पर अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, इसके माध्यम से हम बेचते हैं। मतलब जो वस्तुओं का निर्माण होता है, जो उद्योग के बारे में हमने देखा, जो उद्योगों में जो वस्तुओं का निर्माण होता है, जो भी हम सार्वजनिक क्षेत्र में लगभग सभी उपक्रम हम जो निर्माण करते हैं, उस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से हम उसको बेचते हैं। उस तरह से देखेंगे भारत में छोटा नागपुर जो है वह एक क्या है? पठारी क्षेत्र है, जिसमें कि अधिकांश लोहा इस्पात उद्योग यहाँ पर संकेंद्रित है, क्योंकि यहाँ पर उद्योग के विकास के लिए अधिक अनुकूल और सापेक्षित परिस्थितियां, जिससे कि लोह अयस्क की कम लागत में उच्च कोटि के कच्चे माल की निकटता, सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं, स्थानीय बाजार हो जाता है, जिसमें मांग की विशाल संभावना सम्मिलित है। फिर साथ ही साथ हम देखेंगे उच्च लागत और जैसे कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता है, इसमें कम श्रमिक उत्पादकता, ऊर्जा में अनियमित पूर्ति, ये सारी चीजें होती हैं। फिर हम देखेंगे हम उच्च कोटि के इस्पात दूसरे देशों की आयात करते हैं और हमारा कुल इस्पात उत्पाद जो है घरेलू मांग पूर्ति हेतु पर्याप्त है। फिर निजी क्षेत्रों में उद्यमियों जो है वह प्रयत्न तथा उदारीकरण जो है उसको हम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और उसे प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे कि क्या होगा? अनुसंधान तथा विकास के संसाधनों को यह नियत ही आवश्यकता होती है। फिर देखेंगे एल्यूमिनियम प्रगलन। एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम प्रगलन एक हमारे देश में क्या है, ये दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु संसाधन है, जो कि क्या है, यह जंग अवरोधी है, ऊष्मा का सुचालक है, लचीला है, अन्य धातुओं का मिश्रण यह इसको अधिक कठोर बनाता है। इससे क्या बनता है? इससे हवाई जहाज है ना, इससे हवाई जहाज बनाने में, बर्तन तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका महत्व जो है इस्पात, तांबा, जस्ता, सीसे के विकल्प के रूप में इसका प्रयुक्त होने से बढ़ा है। फिर हम देखेंगे कि प्रगलनों में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में तथा गहरे लाल रंग की चट्टान जैसे होता है, इसका भी प्रयोग किया जाता है, जिसकी दो महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जिसमें कि इसमें क्या है, नियमित ऊर्जा की पूर्ति तथा कम कीमत पर कच्चे माल की सुनिश्चित उपलब्धता। मतलब यह पूर्ति हो जाती है आसानी से और साथ ही साथ यह कच्चे माल जो है वह आसानी से हमें मिल जाता है। फिर हम देखेंगे रसायन उद्योग। भारत में रसायन उद्योग भी बड़ी तेजी से विकसित हो रहा है यह, तथा साथ ही साथ फैल भी रहा है, क्योंकि हम विश्व के आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर हैं। इसमें लघु और बृहद दोनों प्रकार के विनिर्माण इकाई, मतलब हमारे यहाँ लघु उद्योग भी हैं और बड़े पैमाने पर बड़े बड़े उद्योग भी हैं, जिसमें कि हमारा देश जो है वो तीव्र वृद्धि जो है वह तेजी से वृद्धि कर रहा है और विकासशील राष्ट्र विकसित राष्ट्र की दौड़ में शामिल है। फिर देखिए अकार्बनिक कार्बन जो है वह क्या क्या है। यहाँ पर कृत्रिम वस्त्र बनाए जाते हैं, प्लास्टिक बनाए जाते हैं, गोंद है, रंग है, रोगन है आदि, ड्राई आदि के लिए इन सब का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ नाइट्रिक अम्ल और क्षार, सोडा, ये सारी चीजें कागज जो प्रयुक्त होने वाले रसायन जो है कास्टिक सोडा आदि शामिल होते हैं, जिससे कि हम क्या करेंगे, उद्योग जो है विस्तृत फैलाव बढ़ता ही चला जा रहा है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? तो हम यहाँ पर देखेंगे कृत्रिम वस्त्र है, कृत्रिम रबड़ है, प्लास्टिक है, रंजक पदार्थ है, ये सारी चीजों की हमें आवश्यकता पड़ती है और हमारी दैनिक आवश्यकता इन सब चीजें इतनी आवश्यक हो गए हैं कि इनके बिना हमारा काम नहीं चलता है, क्योंकि ये बहुत हल्के होते हैं तो इन्हीं को हम सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं और आसानी से एक जगह से दूसरे जगह हम आसानी से इन वस्तुओं को ले जा सकते हैं। फिर रसायन उद्योग में आप एक बड़ा उपभोक्ता भी है, मतलब ये जो है हम क्या कर सकते हैं एक बड़ा उपभोक्ता। आधारभूत रसायन एक प्रक्रिया है जिसमें रसायन उत्पन्न करने के लिए औद्योगिक अनुप्रयोग जो है उसका प्रयोग किया जाता है, कृषि तथा उपभोक्ता बाजारों के लिए किया जाता है।
कृषि क्षेत्र में भी रसायनों का उपयोग किया जा रहा है उत्पादन बढ़ाने के लिए, उसी तरह औद्योगिक क्षेत्रों में भी उत्पादन रसायन का उपयोग किया जा रहा है पानी को शुद्ध करने के लिए। इस तरह रसायन उद्योग का महत्व जो है वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर हम देखेंगे उर्वरक उद्योग। अब उर्वरक उद्योग के अंतर्गत जब उर्वरक आता है तो उसमें हमें सबसे पहले यूरिया याद आता है, क्योंकि यूरिया जो है हम खाद के रूप में खेतों में उपयोग करते हैं। उर्वरक जो है उसमें क्या क्या होता है, इसमें तीन प्रमुख तत्व होते हैं, उर्वरक, नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश शामिल होता है, और यह कई उत्पादन क्षेत्रों के इर्द गिर्द केंद्रित होता है, जैसे कि पोटाश पूर्ण तैयार किया जाता है उसके साथ वाणिज्यिक रूप से इसको। फिर हम देखेंगे यहाँ हरित क्रांति के पश्चात भी उद्योग देश में अन्य भागों में, क्योंकि हमारा देश जो है हरित क्रांति किस तरह से आई, क्योंकि हमने जब मुख्य रूप से क्या हुआ ये उर्वरक को हमने यूज किया तो हमने आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया, इससे हम हरित क्रांति की ओर बढ़े। फिर यहाँ पर देखेंगे कि हमने क्या किया, लगभग उर्वरक के उत्पादन जो है वह क्या है, लगभग 50% उत्पादन करते हैं, और अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश आदि। फिर है सीमेंट उद्योग। निर्माण कार्यों में जैसे घर, कारखाने, पुल, सड़क, हवाई अड्डा, बांध, ये सब के लिए हमें सीमेंट की आवश्यकता होती है। इस उद्योग को भारी स्थूल कच्चे माल जैसे चूना, पत्थर, सिलिका और जिप्सम की आवश्यकता होती है। इन सब के मिक्स को मिलाकर ही सीमेंट का निर्माण होता है। सीमेंट भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ये देखेंगे कि सीमेंट का सबसे पहला उद्योग जो है सन 1904 में चेन्नई में लगाया गया था, और स्वतंत्रता के पश्चात इस उद्योग का प्रसार हुआ और गुणवत्ता के कारण भारत की बड़ी घरेलू मांग इसके अतिरिक्त पूर्वी एशिया, मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण एशिया के बाजारों में भी इसकी मांग क्या ही बढ़ी हुई है। साथ ही साथ हम इस क्या करते हैं, सो पर्याप्त घरेलू मांग और पूर्ति में वृद्धि के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि इससे हम क्या कर सकें, बाहर विदेशों में भी हम इसको भेज सकें। फिर मोटर गाड़ी उद्योग। अब मोटर गाड़ी उद्योग जो है यह भी यात्रियों तथा सामान के लिए तीव्र परिवहन का यह क्या है, साधन है, क्योंकि उद्योग को ये इसकी आवश्यकता होती है कि यदि उद्योग में वस्तु का निर्माण किया गया है तो उसको हम परिवहन के माध्यम से ही वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम उसको भेज सकते हैं, जैसे कि केंद्रों पर ट्रक है, बसें हैं, कारें हैं, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, तिपहिया है, बहुउपयोगी वाहन भी निर्मित किए जाते हैं, ये सब क्या है मोटर गाड़ी उद्योग के अंतर्गत आते हैं, जहाँ पर कि इन परिवहन के साधन जो है उनका निर्माण किया जाता है। इसके साथ साथ और भी उद्योग हैं जिसमें विशेषकर कार जो है दो पहिया तिपहिया वाहनों की अपार वृद्धि हुई है। इसके साथ साथ दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु के आसपास ये मोटर उद्योग जो है वह फैले हुए हैं या स्थित हैं। फिर है सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। हम देखते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जो है यह पुराने समय में जो होता था सिर्फ हम तार करते थे, टेलीफोन जो होता था उससे हम बात करते थे, बाद में धीरे धीरे सेलुलर टेलीकॉम फोन आया, फिर मोबाइल आया, फिर रडार आया, कंप्यूटर, दूरसंचार उद्योग जो है ये सारे उपकरण वहाँ पर बनाए जाते हैं। ये सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, पहले जो है भारी भारी मोबाइल हम यूज करते थे, अब जो है छोटा सा मोबाइल हम यूज करते हैं, उसमें सारी चीजें हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है। इससे हम देखेंगे कि इस दूरसंचार और कंप्यूटर उसमें अनेक ऐसे उपकरण बनाए जाते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में बेंगलुरु उभरा है, और वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सामान के महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्र जो है मुंबई है, दिल्ली है, हैदराबाद है, पुणे है, चेन्नई, कोलकाता और लखनऊ है। यहाँ पर हम देखेंगे सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग सफल होने का कारण हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास है, क्योंकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है निरंतर उसमें जो है चेंजेस होते जा रहे हैं, उसमें शोध होते जा रहे हैं, मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा हम उसमें डाटा एकत्रित कर सकें। इसमें देखेंगे औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण, मतलब ये औद्योगिक प्रदूषण व निम्नीकरण, मतलब ये जो उद्योग हैं इनके माध्यम से बहुत सारा पर्यावरण प्रदूषण भी होता है, उसमें कौन कौन से प्रदूषण हैं, वायु है, जल है, भूमि है, ध्वनि है, ये सारे प्रदूषण जो है उद्योगों के कारण होते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे वायु प्रदूषण।
वायु प्रदूषण क्या है। अब वायु प्रदूषण से ही समझ में आ रहा है कि वायु प्रदूषित कैसे होता है। वायु प्रदूषण जैसे धुआं से है, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि नहीं धुआं से होता है, क्योंकि कौन से धुआं होगा, गाड़ी से निकला हुआ, कारखाने से निकला हुआ, उसके साथ साथ जो अनचाही गैसें जो है गाड़ियों से निकलती हैं, मोनोऑक्साइड वाला प्रदूषण के कारण होता है। इसके साथ वायु निलंबित कारण नुमा जो है ठोस द्रव्य दोनों ही कण होते हैं, जैसे कि धूलि है, स्प्रे है, कुहासा है तथा धुआं है। रसायन व कागज उद्योग हैं, ईंट के भट्टे हैं, तेल शोधकशालाएं हैं, इन सब से भी कई गैसें जहरीली गैसें निकलती हैं जो हवा में मिलती हैं, उससे भी वायु प्रदूषण होता है, जिसमें कि मानव स्वास्थ्य, पशुओं, पौधों, इमारतों आदि का पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालते हैं। फिर है जल प्रदूषण। अब जल प्रदूषण कैसे होता है, जल प्रदूषण जो है उद्योगों द्वारा कार्बनिक अकार्बनिक जो पदार्थ होते हैं वे नदी पे छोड़े जाते हैं, जिससे जल प्रदूषित होता है। साथ ही साथ ये जल जो है जमीन भी अवशोषित करता है, उससे भी जमीन प्रदूषित होता है और वह जाके जल में मिल जाता है। फिर जल प्रदूषण के प्रमुख कारण है कागज लुगदी कागज का कारखाना, रसायन का कारखाना, वस्त्रों की रंगाई, तेल शोधक, चमड़ा उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, ये सारी चीज़ें जो हैं उनका पानी जो है वह नदियों में जाता है, इससे जल बहुत ही अधिक प्रदूषित होता है। और कृत्रिम रसायन आदि जल में वाहित करते हैं, इसे मुख्य अपशिष्ट पदार्थों के कारण भी इसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ हो जाती हैं और यह सब जो है वह चर्म रोग या दूसरी तरह की बीमारियों का कारण बनता है। फिर हम देखेंगे तापीय प्रदूषण। अब तापीय प्रदूषण क्या है, तापीय प्रदूषण वह है जो कारखानों व तापघरों में गर्म जल को बिना ठंडा किए नदियों और तालाबों में छोड़ दिया जाता है, उसको हम तापीय प्रदूषण कहते हैं। मतलब उस जल को हम ठंडा नहीं करते और सीधे हम नदी में प्रवाहित कर देते हैं, उसे हम जल तापीय प्रदूषण कहते हैं, जिससे क्या होता है जलीय जंतु या जीवों को भी नुकसान पहुंचता है। फिर परमाणु ऊर्जा में संयंत्र में जो अपशिष्ट परमाणु शस्त्र जो है कारखानों में कैंसर, जन्मजात विकार, अकाल प्रसव और जैसी बीमारियां होती है, और साथ ही साथ ये कूड़ा करकट जो है मृदा के अनुपजाऊ भी बनाता है, क्योंकि ये जो है बहुत जल्दी नष्ट नहीं होता है, मलबे के ढेर में रहता है और इससे बहुत ही प्रदूषण होता है। फिर देखेंगे ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्या है, ध्वनि से ही समझ में आ रहा है, उसे आवाज मतलब बहुत तेज आवाज जो होती है उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। जैसे कि हमारी श्रवण अक्षमता, हृदय गति, रक्तचाप आदि की काय का जो व्यवस्था है जो होती है उससे अनचाही ध्वनि जो होती है वो हमारी श्रवण क्षमता को भी खत्म कर देती, बहरापन भी हो जाता है, इसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। मतलब एक ऐसी जितनी क्षमता होती है उतने तक हम सुन सकते हैं, उससे यदि ज़्यादा ध्वनि हम सुनेंगे तो कान में बहरापन हो जाएगा और कान से खून भी बहने लगते हैं। तीसरे देखेंगे इससे क्या होता है, कारखानों में जो उपकरण होते हैं, जनरेटर हैं, लकड़ी चीरने के कारखाने हैं, गैस यांत्रिकी हैं, विद्युत ड्रिल तकनीक हैं, इनसे बहुत ही ज्यादा ध्वनि उत्पन्न होता है। फिर पर्यावरण निम्नीकरण का रोकथाम, हम पर्यावरण को प्रदूषण से किस तरह रोक सकते हैं, हम क्या करेंगे, कारखानों द्वारा निष्कासित जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको हम 8 गुना स्वच्छ करके दूषित जल, मतलब जो दूषित जल है उसको मतलब स्वच्छ करके हम उसको प्रदूषण को स्वच्छ जल कैसे बचाया जा सकता है, इस तरह हम जवाब दे सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे विभिन्न प्रक्रियाओं, जल को न्यूनतम उपयोग करना, जल का 2 या अधिक उपरोक्तर अवस्थाओं में पुनर्चक्रण के रूप में, मतलब उसी जल को हम दोबारा किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, मतलब उसमें हम नदी में ना मिलाएं, उसको ही स्वच्छ करके उसको दोबारा हम कारखाने में किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। फिर जल की आवश्यकता पूर्ति, जल का संग्रहण करना, मतलब जितनी आवश्यकता उतनी ही जल का संग्रहण करना, साथ ही साथ जो है श्रमिक साधनों द्वारा प्राथमिक शोधन करना, फिर उनके छटाई करना, छोटे छोटे टुकड़ों में करना, जो कि तलछट को ढकना, इस तरह से हम कर सकते हैं। फिर जैविक प्रक्रियाएं, जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा भी हम द्वितीयक शोधन कर सकते हैं, कई जीव ऐसे होते हैं जो कि पानी को शुद्ध करते हैं, तो उस तरह से भी हम उसको साफ कर सकते हैं। फिर जैविक रासायनिक भौतिक प्रक्रियाओं को तृतीयक शोधक के रूप में हम इसका उपयोग, जैसे कि पुनः प्रयोग के रूप में हम इसको कर सकते हैं। फिर देखेंगे यहाँ भूमिगत जल का स्तर का कम होना, यहाँ पर उद्योग द्वारा जो अधिक निष्कासन भूमि जो है वह किस तरह से है कम हो रहा है, क्यों, क्योंकि हम जो भूमि में जो जल है उसको
अधिक उपयोग कर रहे हैं, साथ ही साथ पानी जो है वह धरातल में नीचे नहीं जा रहा है, तो उसको हम किस तरह से जल स्तर को हम अधिक बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, तेल गैस के प्रयोग, धुएं के निष्कासन में कमी लाई जा सकती है, जैसे कि मशीनों का उपकरण का उपयोग किया जा सकता है, जैसे जनरेटर है साइलेंसर लगाया जा सकता है, मशीनरी प्रयोग किया जाता है जिससे कि कम ध्वनि प्रदूषण होगा, साथ ही साथ इससे कई विकास की चुनौतियां और पर्यावरण संरक्षण विकास की जरूरत पड़ती है।